कोरोना महामारी के समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में अपनी जान जोखिम में डाल जनता को सुरक्षा दे रहे पुलिस के जवानों की सुरक्षा के लिए भारतीय युवा मंच द्वारा गुरुवार को भागलपुर एसएसपी आशीष भारती को 5000 मास्क व 4 कार्टून सैनिटाइजर भेंट किया गया, जिसका वितरण एसएसपी आशीष भारती जवानों के बीच आवश्यकता अनुसार करेंगे। भारतीय युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत खेंडलिया व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल के निर्देशन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 5000 मास्क और सैनिटाइजर 4 कार्टून हम लोगों ने दिया है, जो सिपाही लोगों को उपलब्ध कराने के लिए ये है। ये हमारे राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि अग्रवाल जी और हमारे प्रांत के अध्यक्ष प्रशांत खेंडलिया जी द्वारा हमें निर्देशित किया गया था, तो हम लोगों ने भागलपुर शाखा के हमारे अध्यक्ष रवि सदाब सचिव बजाज जी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और आके हम लोगों ने देने का काम किया। भागलपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग ने नवगछिया के अजय ढाबा के पास एक ट्रक विदेशी शराब जब्त किया है। उत्पाद विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी, गुप्त सूचना मिली कि शराब का बड़ा खेप जलपाईगुड़ी से लखनऊ जा रहा है। उसी दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी अपने दलबल के साथ तत्परता दिखाते हुए चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान एक ट्रक विदेशी शराब एवं ट्रक के चालक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक से कुल 485 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई। ट्रक ड्राइवर करमवीर ने बताया कि शराब की डिलीवरी खगड़िया में देनी थी, लेकिन किसे देनी थी ये उसे पता नहीं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा काफी प्रयास के बाद भी शराब माफिया का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहाँ ले जा रहे थे माल? मैं तो लखनऊ के लिए बताया था कि लखनऊ के लिए मक्का ले थे। कहाँ से ला रहे थे? जलपाईगुड़ी। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के खरीक टोल प्लाजा के समीप मदतपुर में पिछले दिनों ट्रक में हुए लूटकांड का उद्भेदन कर लिया है। यही नहीं, नवगछिया पुलिस ने इसमें संलिप्त अपराधी मिलटोला निवासी मिथुन सिंह उर्फ मृत्युंजय सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी की निशानदेही पर लूटे गए 4 बोरा गुटखा और पान मसाला भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ प्रवेंद्र भारती के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था। राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ ही राम भक्तों का बहुप्रतीक्षित मांग पूरा हो गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए राम मंदिर पूजन के बाद भाजपा पार्टी को सम्मान देते हुए भगवा क्रांति मंच ने भाजपा जिलाध्यक्ष रोहित पांडे को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही जिलाध्यक्ष को अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की आकृति भी भेंट की। भगवा क्रांति के अध्यक्ष कुणाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया ये कार्य उनके लिए गर्व की बात है, जिसके लिए वे समस्त भाजपा परिवार को दिल से धन्यवाद देते हैं। जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाजपा के, उनको हमने रामचंद्र जी का जो मंदिर जो बन रहा है उसका आकृति का जो हम लोग ने बनाया है, जो लड़कों ने मिलकर के मेहनत करके बनाया है, थर्मोकॉल का ये जो सेम आकृति जो बन रही है पटना जो अयोध्या बन रही है, वही सेम आकृति हम लोग भैया को भेंट किया और एक राम नाम का गुलदस्ता भी भेंट किया। और क्योंकि ये हम लोग इज्जत बचाए, हम लोग हिंदुत्व समाज में इन्होंने इज्जत बचाई, इसीलिए हम लोग इनको जो है पगड़ी पहनाए, क्योंकि भाजपा ने ही हमारी पगड़ी बचाई है। जो कल अयोध्या में राम मंदिर का जो प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, यह पूरे देश के अंदर एक उत्साह का वातावरण है और हम अगर यह कहें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में ऐसे जो भारत प्रेमी हैं और राम प्रेमी हैं, राम भक्त हैं, उन सभी के अंदर उत्साह का वातावरण है और यह एक नए युग का सूत्रपात कल इस आधारशिला भूमि पूजन से, राम मंदिर के भूमि पूजन से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस भवन में एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भागलपुर विधायक अजीत शर्मा एवं कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वर्चुअल सम्मेलन में बिहार सरकार की नीतियों पर चर्चा की गई। साथ ही आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या भूमिका होगी, इस पर भी प्रकाश डाला गया। आज वर्चुअल मीटिंग थी पूरे बिहार कांग्रेसियों का, इसमें राहुल गांधी जी भी संबोधित करेंगे, हम लोग 10 बजे से ही इसमें जुड़े हैं और इसमें पूरे सरकार का फेल्यूर की चर्चा, कांग्रेस जो सदस्यता अभियान कर रहा है उसकी चर्चा और चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, कैसे कांग्रेस की सरकार बने,
हम लोग जनता के बीच जाएं, क्योंकि जनता पूरे इस सरकार से, जो बिहार में सरकार है, उससे उब चुकी है। किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा, किसी को खाने का राशन नहीं मिल रहा है, बाढ़ से लोग सड़क पर रह रहे हैं, उनको राशन खाना नहीं मिल रहा, काफ़ी परेशानी है। उसी सब मुद्दों पर बात हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर नींव पूजन कार्यक्रम में सफल समापन होने पर भागलपुर में भी राम भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। बुधवार को भागलपुर के विभिन्न मोहल्लों में राम भक्तों द्वारा दीप जलाकर मंदिर परिसर को सजाया गया, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। मंदिर में भक्तों के बीच दिवाली सा माहौल देखने को मिला। आज हम लोग 70 साल का जो है 500 साल पे रिजल्ट आ गया। भगवान राम का जो है मंदिर बनना है, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय भूमि पूजन किए, हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। और उसी के उत्सव में जो है आज हम लोग संकट मोचन दरबार वारसली रोड भागलपुर में दीपोत्सव मना रहे हैं। लॉकडाउन के बाद तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का कामकाज अब पटरी पर आ चुका है। विश्वविद्यालय के पीआरओ दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि सिंडिकेट हॉल में सत्र 2020-23 के बीच नामांकन को लेकर नई नियमावली बनाई जा रही है। यूनिवर्सिटी के सभी कार्यों को ऑनलाइन करने की तैयारियां भी चल रही हैं। जल्द ही छात्रों को नए सत्र में नामांकन मिलेगा। देखिए, लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के बाद विश्वविद्यालय खुला है और पूरी रौनक आई विश्वविद्यालय में, चूँकि तकरीबन एक महीने तक विश्वविद्यालय बंद रहा था। लॉकडाउन और कंटेनमेंट जोन के कारण प्रशासन के द्वारा इसको सील कर दिया गया था और अब पूरी तरह से कामकाज पटरी पर वापस आ गया है। सारे अधिकारी और कर्मी, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, COVID-19 का जो गाइडलाइन है, उसको देख करके सारे अधिकारी और जो रोस्टर के अनुसार कर्मी हैं वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। अभी आज सिंडिकेट हॉल में एक बैठक चल रही है, वो बैठक विश्वविद्यालय समन्वय समिति की बैठक है। इसमें सत्र 20-23 में स्नातक के सभी विषयों में नामांकन को लेकर के एक नियमावली बनाई जा रही है। तो जो समन्वय समिति के तमाम सम्मानित सदस्य हैं आपस में राय मशविरा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और नियमावली को मूर्त रूप दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ही नियमावली बन करके तैयार होगा और जब नियमावली बन जाएगी तो उसको UMIS के पास भेजेंगे ताकि वो पूरा डाटा को देख लेंगे, सारा सिस्टम को सिस्टमेटिक कर लेंगे, ऑनलाइन सब कुछ होना है। उसके बाद माननीय कुलपति महोदय का अनुमोदन लेना होगा, स्वीकृति, माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति के पश्चात इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, अमली जमा पहनाएंगे। भागलपुर के खरमनचक में लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर तले लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष अमर कुशवाहा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष धनंजय यादव, महिला मोर्चा की अध्यक्ष संगीता तिवारी व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा की उपस्थिति में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के बैनर तले 50 व्यक्तियों ने लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता अभियान के बारे में बताते हुए डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कहा कि लोगों में चिराग पासवान की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में यह शुरुआत हुई है। बिहार को बेहतर बनाने के लिए लोग धीरे धीरे जिले के अन्य हिस्सों से भी इस अभियान में शामिल होंगे। गौरतलब हो कि डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने कुछ दिन पूर्व ही लोजपा की सदस्यता ली है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लोजपा के टिकट से इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, आज लोक जनशक्ति पार्टी से भागलपुर के युवा और व्यवसायी मिलाकर लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने आज पार्टी की सदस्यता ली और पार्टी की सदस्यता में ज्यादातर नौजवान और युवा साथी। ये अपने आप में स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नौजवानों का, युवाओं का रुझान और झुकाव चिराग पासवान जी की तरफ और बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विज़न की तरफ है और सभी लोग एक उम्मीद की तरह इस विज़न को देख रहे हैं कि ये विज़न जब धरातल पर उतरेगा तो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और जिस तरीके से चिराग पासवान जी ने हमेशा सभी मुद्दों को पूरे स्पष्टता के साथ बिहार के हर वर्ग के लोगों के लिए रखने का काम किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी मुहिम के साथ और उनके इसी सोच के साथ आज सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और ये शुरुआत है। धीरे धीरे लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के मुहिम के साथ बिहार के और जिला के सभी लोग जुड़ने का काम करेंगे।